मीरपुरखास में गवर्नमेंट इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज में दो रोजा सालाना तकरीबात शुरू हो गई है। सवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ बलोच। आते हैं गैब से ये मजामीन ख्याल में। गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। नवाए सरोश नाम है इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज के मैगजीन का, जिसकी तकरीबी रहनुमाई कमिश्नर मीरपुरखास ने कॉलेज के सालाना प्रोग्राम में की। दो रोज जारी रहने वाले कॉलेज के सालाना प्रोग्राम के पहले रोज इब्ने रुश्द कॉलेज के अलावा शहर के दीगर कॉलेजेस के तालबात के दरमियान उर्दू और सिंधी के मुख्तलिफ मौजूदात पर तकरीरी मुकाबले भी मुनक्किद हुए, जिसमें तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर कमिश्नर गुलाम हुसैन मेमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ऐसे फंक्शन से करने का मकसद होता है बच्चों में एतमाद पैदा करना, और यहाँ से जब बच्चे रुख्सत होते हैं फिर आगे जाते हैं तो इन जो फील्ड्स में, तो उनको एतमाद की फिजा जो है वो दी जाती है। सालाना तकरीब के दूसरे रोज इब्ने रुश्द कॉलेज की तालबात की जानिब से मौसम बहारा, सिंधी कल्चर और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अलावा दीगर मसाइल पर भी जबरदस्त टेबलोस पेश किए। तालबात की जानिब से नामवर शोरा कलाम की मशहूर गजलें भी पेश की गयी, जिसको प्रोग्राम में शामिल हाजरीन ने बहुत सराहा। कॉलेज की दीगर तालबात भी अपने साथियों की परफॉर्मेंस पर बहुत पुरजोश नजर आई और दिल खोल कर उन्हें दाद देती नजर आई। बहुत मजा आया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हमें टैबलेट देखने को नजर आए, और बहुत मेहनत की सब लड़की। मैंने एक तो दुल्हन की बहन का रोल किया था और दूसरा मैंने मलंग का रोल किया था, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे फंक्शन जो है वो हर कॉलेजेस और हर जगह होने चाहिए। टैबलों में जो रोल अदा किया उससे हमने ये किया कि सिंधी सकाफत में एक दूल्हे का किरदार और उसकी ड्रेसिंग या उसकी रस्में क्या होती है, किस तरह होती है। अंजुमन फूल की तरह महके हमारा अंजुम, शहर का नूर बन जाए हमारी किस्मत का सितारा। वो रूहानी कैफियत थी जो हमने थोड़ा बहुत ये इसे जाहिर करने के लिए किया था कि हम आगे एक्टिविटी और कॉलेजेस में जो भी फंक्शन अरेंजमेंट होती है वो हम चाहते हैं आगे भी जिस कॉलेजेस में ये अरेंजमेंट नहीं होती उसमें हो। इब्ने रुश्द कॉलेज के शाये होने वाले मैगजीन से न सिर्फ कॉलेज की तालबात को तालीम के अच्छे मौके मैसर आ सकेंगे, बल्कि इसके पढ़ने से उनके इल्म में भी इजाफा होगा। डायरेक्टर कॉलेज सईदुद्दीन का इस हवाले से कहना था कि इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज ने सबसे पहले इस रीजन के अंदर मैगजीन प्रिंट किया है। हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया, इन बच्चों को जिन्होंने सारे उसमें हिस्सा लिया। तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की के मनाजिल को नहीं छू सकती, लेकिन इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी तुलबा व तालबात की अमली जिंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। जरूरत इस बात की है कि गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तालीम के मजीद बेहतर फरोग के लिए भी अमली इकदाम किए जाएँ। कैमरामैन सुहेल शेख के साथ आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुरखास।